वेलकम बैक स्टूडेंट, नाउ लेट्स कंटिन्यू द पोएम द विंड इन अ फ्रॉलिक। ओके, तो देखिए इस पोएम में राइटर्स ने विंड को एक बहुत ही कुछ मिजाज तरीके से बताया है कि विंड्स जब अपने मूड में होती है तो वो क्या कर सकती हैं। सो लेट्स कंटिन्यू द लाइन। सो ऑन इट वेंट कैपरिंग एंड प्लेइंग इट्स प्रंक विस्लिंग विद रीड्स ऑन द ब्रॉड रिवर बैंक्स। तो देखिए क्या करती है, हवा फिर बहुत ही उछलती हुई और मजाक बनाती हुई, फ्रांक मीन से इधर होता है मजाक बनाती हुई, और जिसको कहते हैं शोर करती हुई चली जाती है जंगल की तरफ, नदी की तरफ। पफिंग द बर्ड्स एज दे सेट ऑन अ प्रे, और बर्ड्स को पफिंग करती हुई, पफिंग मीन्स होता है यहाँ पे उछालना, उड़ाती हुई, और अपना सेट ऑन इस प्रे, जो अपनी चिड़िया जो है ना प्रे यानी पेड़ों पर बैठी हुई थी तो उसको उछालती हुई उड़ाती हुई चली जाती है। और द ट्रैवलर्स ग्रैब ऑन द किंग्स हाईवे, और जो ट्रैवलर जो हाईवे पर चलते जा रहे थे उनको परेशान करती हुई। इट वॉज नॉट टू नाइस टू वर्सल द बैग्स, और लेकिन हवा कहती कि ये जो बैग्स जो ट्रैवलर्स के हैं उसको मैं मूव नहीं कर पा रही हूँ। ऑफ द बैगर्स एंड फ्लटर्स इज डर्टी रैग्स, लेकिन जो बैगर्स हैं उनके जो फटे चथरे कपड़े हैं उनको उड़ाती हुई हवा आगे बढ़ती जा रही है। यस, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट स्टैंजा। इट वॉज सो बोल्ड दैट इट फियर्ड नॉट टू प्ले इट जॉक विद द डॉक्टर्स बीक एंड द जेंटलमैन्स क्लॉक। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हवा है वो बहुत बोल्ड यानी ताकतवर होकर के आगे चली जाती है और एक जोक करती हुई विद द डॉक्टर्स बीक, बीक मीन्स होता है एक नकली टोपी, उसके टोपी को उड़ाती हुई और जेंटलमैन्स का जो क्लॉक है एक लंबा लबादा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं उसको उड़ाती हुई आगे बढ़ती है। थ्रू द फॉरेस्ट इट रोअर्ड एंड क्राइड गेबली गेली, और फॉरेस्ट की तरफ दहाड़ती हुई एक प्रसन्नता से खुश होती हुई चली जाती है। नाउ यू स्टडी ओल्ड ओक्स आई विल मेक यू वो, अब उसके सामने आता है एक ओक का पेड़, तो वो क्या कहती है कि मैं तुम्हें भी अब झुका दूँगी। एंड इट मेड देम बो विदाउट मोर एडो, और वो तुरंत ही बिना किसी देरी के उसको झुका देती है। और इट क्रैक देयर ग्रेट ब्रांचेस थ्रू एंड थ्रू, और उसकी जो ब्रांचेस होती हैं जब वो झुकता है तो बहुत सारी ब्रांचेस उसकी टूट जाती हैं। ओके, सो देन इट रस्ट लाइक अ मॉन्स्टर्स ओवर कॉटेज एंड फार्म, और एक भयानक रूप बनाती हुई एक मॉन्स्टर्स की तरह वो झोपड़ियों और फार्म यानी खेतों की तरफ बढ़ती है। स्ट्राइकिंग देयर इन मैट्स विद अ सडन अलार्म, और वो एक वहाँ के निवासी जो इन मैट्स मीन्स होता है वहाँ के निवासियों को एक चेतावनी देती हुई आगे बढ़ती है। सो एंड दे रन आउट लाइक बीज इन अ मिड समर स्वाम, और वो लोग सब ऐसे दौड़ते हैं जैसे कि मिड समर में जो बीज एक साथ झुंड बना करके दौड़ती हैं। देयर वर डैम्स विद कर्चीफ टाइज ओवर देयर हैट्स, और वहाँ पर जो महिलाएं हैं वीमन्स हैं वो अपने टोपी को हैट्स को स्कार्फ से बांध लेती हैं जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। टू सी इफ देयर पोल्ट्री वर फ्री फ्रॉम मिसचैप, और वो कहाँ जाती हैं, वो अपने जो पोल्ट्री होती है उनका जो मुर्गी फार्म होता है वहाँ पर देखने के लिए जाती हैं कि कोई वहाँ कुछ दुर्घटना तो नहीं हुई है। एंड द टर्कीज दे गॉब्ड द गीज स्कैम्ड अलाउड, और पक्षी जो है ना टर्कीज मीन्स यहाँ बोला गया है पक्षी वहाँ गुरगुराने लगते हैं या उनको निगलती हुई उड़ाती हुई, और गीज स्वाम करते हैं स्क्रीम करते हैं चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। एंड द हैंस क्रैप्ड टू रोस्ट इन द टेरिफाइड क्राउड, और वहाँ पर मुर्गियाँ जो है ना वो अपने घरों में डर के जो है ना अंदर जाने लगती हैं। एंड देयर वॉज रियरिंग ऑफ लैडर्स एंड लॉक्स लेइंग ऑन, और लैडर पे जो है ना बहुत सारे क्या रखे हुए हैं लॉक्स लकड़ी के गट्ठे रखे हैं। वेयर द थैच फ्रॉम द रूफ थ्रेटन्ड सून बी गॉन, और वो ऐसे हिल रहे हैं जैसे लग रहा है कि बहुत जल्द जो है ना वो नीचे की तरफ गिरने वाले हैं। बट द विंड हैड पास्ड ऑन, लेकिन जैसी हवा निकलती है एंड हैड मेट इन अ लेन, और वो एक गली की तरफ बढ़ती है। तो विद द स्कूल बॉय हु पेंटेड एंड स्ट्रगल्ड इन वैन, जो बेचारा परेशानी में है और हवा से संघर्ष कर रहा है। फॉर इट टोस्ड हिम, वो उसको उछालती है एंड ट्वेल्ड हिम, उसको घुमा देती है। देन पास्ट, इसके बाद वो हवा निकलती है। देन ही स्टूड, और वो खड़ा रहता है।
विद हिज हैट्स इन अ पूल, और जब हवा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है उसको क्रॉस करती है तो उसका जो हैट है वो पूल में गिर जाता है, एंड सू इन द मड, और उसके जूते किस में हो जाते हैं, मड में हो जाते हैं। देन अवे वेंट द विंड इन हिट्स हॉलीडे ग्ली, अब जो है ना बहुत ही अपने जो जिसको हॉलीडे इंजॉय कहते हैं, हवा जब इस तरीके का इंजॉय करती है, एंड नाउ इट्स वॉज फॉर एंड द ब्लोबी सी, अब वो एक किसकी तरफ जाती है, एक बड़े समुद्र की तरफ आगे निकलती है। एंड द लॉर्डली शिप्स फेल्ट द स्ट्रैगिंग बिलो, और जो बहुत बड़े जहाज होते हैं वो बिल्कुल हिलने लगते हैं। एंड द लिटिल बोट्स डेयर टू एंड फ्रो, और जो छोटी छोटी नाव होती हैं बहुत तेज़ी से भागने लगती हैं कि उन्हें अपने किनारे पर पहुँचना चाहिए। बट लो, लेकिन इट वॉज नाइट, अब अंधेरा हो चुका है, एंड इट सैंक टू रेस्ट, और अब शांत होने का टाइम है। ऑन द सी बर्ड्स रॉक इन द ग्लीमिंग वेस्ट, क्योंकि जो सी बर्ड्स हैं वो अपने रॉक्स पर बैठी हुई हैं जो वेस्ट की तरफ चमक रहा है, एंड लाफिंग टू थिंक इन इट्स यूज फियरफुल फन, और ये सोच रहे हैं कि कितना भयानक जो है ना एक मजाक था, हाउ लिटिल ऑफ द मिसचीफ्स इट रियली हैड गॉन, तो वास्तव में ये कितना एक मिसचीफ जिसको कहते हैं एक शरारत थी जो हवा ने की है। ओके, तो विलियम हॉट ने इसको लिखा है, हॉबिट ने। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें बताया गया है कि विंड व्हाट कैन बी डू, मतलब क्या कर सकती है, और जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से वो खेतों में जाती है, फिर खेतों से जंगलों की तरफ भागती है, लोगों को परेशान करती है, पेड़ों को भी जो है ना दिक्कत होती है, तो यहाँ हवा जो है ना वो इट इज़ अ वेरी हैप्पीनेस मूड इन अ वेरी फन एंड फ्रॉलिक मूड। ओके, तो ये था आपका चैप्टर, थैंक यू स्टूडेंट्स।